वालेकुम नाज़रीन, सुबह जो आवाज में फरमाई सनम तव्हांखे भली कार चवन थी। नाज़रीन, सुबह सुबह जेका ना ॾाढी गर्मी शुरू थी वई आहे। आई एम श्योर जेके सिंध जा माण्हू आहिनि उहे तमामु साजरी उथंदा आहिनि, छह बजे सते बजे मुंहिंजे ख़्याल उथी वेंदा आहिनि, छो जो एतिरी गर्मी हूंदी आहे ऐं लाइट अक्सर जॻहियुनि ते जेका उहा सुबुह सुबुह जो लाइट वेंदी आहे, सभ खां पहिरियों हिकिड़ो धचको ॾींदा आहिनि की एसी के एसी वारा, त सुबुह सुबुह लाइट हली वेंदी आहे, त इहो बि हिकिड़ो ॾाढो अज़ाब हूंदो आहे असांजे मथां। त इन ॻाल्हि सां मूंखे मां सोचो थोरो टॉपिक इन क़िस्म जो रखां जंहिंखे लाइट जी ज़रूरत न हुजे। त टॉपिक अॼु मुंहिंजो जो आहे शो में उहो अहिड़ो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हांखे इंडियन सॉन्ग्स वधीक पसंदि आहिनि ऐं छो पसंदि आहिनि, अगरि आहिनि त कहिड़ो वधीक, या पोइ जेके पाकिस्तानी गाना आहिनि ऐं पाकिस्तानी बि छॾो फिल्मनि जा, छो जो फिल्मनि जो त एतिरो हाणे न रहियो आहे, पर पाकिस्तानी ड्रामा जेके आहिनि उन्हनि जा जेके टाइटल सॉन्ग्स आहिनि उहे ॾाढा ज़बरदस्त थियण लॻा आहिनि, तमामु ज़बरदस्त हाणे थी विया आहिनि। ऐं जेके असांजा बैंड्स आहिनि या सोलो सिंगर्स आहिनि उन्हनि जा बि तमामु सुठा गाना थी विया आहिनि, त तव्हांखे अॼु ॿुधाइणो आहे त तव्हांखे कहिड़ा गाना वधीक पसंदि आहिनि ऐं छो पसंदि आहिनि, चाहे उहे इंडियन हुजनि या पाकिस्तानी हुजनि या अमेरिकन हुजनि, जेके बि हुजनि तव्हां ॿुधाईंदा, तव्हांखे रीज़न ज़रूरु ॿुधाइणो आहे त छो, ऐं को ज़बरदस्त गानो तव्हांजो फेवरेट जेको आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधाइणो आहे। बिल्कुल, ऐं इन शइ लाइ तव्हांखे जेको आहे उहो लाइट जी ज़रूरत नाहे, माण्हू रेडियो ते बि ॿुधी थो सघे। त सुबुह सुबुह अक्सर माण्हू जॾहिं मां कॉल्स ॿुधंदी आहियां रेडियो ते, माण्हू काफ़ी कॉल्स वॉल्स खे बि कंदा आहिनि त अक्सर चवंदा आहिनि लाइट नाहे लाइट नाहे, त रेडियो त हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेके बिजली ज़रूरत ई ज़रूरत ई नाहे, बग़ैर बिजली जॾहिं हली पवंदो हुनखे त तव्हांखे ट्यून करिणो आहे। बिल्कुल, त हाणे थोरो अवामी आवाज़ खे टच था करे वठां। जी अवामी आवाज़ भई सुबुह जो अची जेको आहे पहिरीं पहिरीं आऊं ख़बर अख़बार पढ़ंदी आहे, तव्हां बि अख़बार पढ़ंदा कयो, अख़बार पढ़णु सुठी ॻाल्हि हूंदी आहे। पहिरीं ॻाल्हि त हुननि खे इहो चवां अवामी आवाज़ तव्हांखे बाज़ारि में मिली सघे थी, पर बहरहाल कुझु न्यूज़ तव्हां सां गॾु असीं शेयर कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। हिकिड़ी त पहिरीं सनम चई चुकी आहे बिजली जे हवाले सां, पंजाब जो दॿाउ बिजली जी लोड शेडिंग समूरनि सूबनि में हिकु जेतिरी करण जो फ़ैसिलो, सिंध खे एतिराज़। हिकिड़ी ख़बर थी आहे ॿी हिन में जेको आहे सो सुठी सुठी ख़बर ॿी कहिड़ी हिन में ॾिनल आहे तव्हांखे। फौरन फौरन असीं वञूं था एंटरटेनमेंट जी तरफ़ ऐं क्रिकेट जी तरफ़। इन में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं शुएब मलिक कोच डियू वॉटमोर जी नज़रुनि में अची वियो। छा कहिड़ो कमु कयो आहे तव्हां तव्हांजी नज़र में छा सोचे मूंखे ॿुधायो। अच्छा, काज़ी अहमद में क्रिकेट टूर्नामेंट 11 कामयाब, क्रिकेट टूर्नामेंट में जेको 11 माण्हू कामयाब थी विया आहिनि, इहो जी न्यूज़। अच्छा, ॿी हिकिड़ी एंटरटेनमेंट जी न्यूज़ तव्हांजे लाइ रखी हुई, करिश्मा कपूर मुड़ संजय कपूर खां तलाक वठण जो फ़ैसिलो करे छॾियो। अञा ताईं न थी हुई छा? न, शायद तंहिंजे करे न्यूज़ पेपर में आई आहे। ॾिसूं था हाणे इहो केतिरो लेंदी थिए थो। सही, त हाणे गेस्ट खे बि कॉल करे था वठूं। असां गॾु डॉक्टर रिज़वान आहिनि, हिकु दफ़ो पहिरियों बि असां शो में आया आहिनि, स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं था ऐं तमामु सुठी इंफॉर्मेशन ॾींदा आहिनि। वधीक असां उन खां पुछूं था, तव्हांजो बि को सवाल हुजे त तव्हां फोन करे असां खां पुछी था सघो ऐं टॉपिक न विसारिजो। तव्हां बस अल्लाह का शुक्र, आज की ताज़ा ताज़ा खबर तो सुन ली। ताज़ा खबर, ताज़ा खबरें उसमें एक छोटी सी ही सुनते रहते हैं। उसमें एक छोटी सी एडिशन नहीं करूंगी, असल में वो एक SMS भी आया तो मेरे पास कि KEC वाले असल में चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि वो जो दोज़ख के अंदर जो गर्मी होती है ना वो उसको भूले नहीं, लाइट बंद कर देते ताकि हम लोग को हर वक्त खौफ डर रहे कि भाई अब आखिर में मरना भी है और दोज़ख में इतनी ही गर्मी होगी बल्कि से डबल होगी। नहीं, लाइट में बढ़ाते कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को नोबेल प्राइज डॉक्टर साहब कह रहे थे मिलना चाहिए, उसके साथ साथ अल्लाह मियां को भी थोड़ी हमारी सजा कम कर देनी चाहिए ना, वहाँ की दोज़ख की आग थोड़ी सी हमारी कम करे, हम लोग यहाँ पर अजियत बर्दाश्त करें तो थोड़ी सी तो हमें हमारे पर रहम करे। लेकिन एक जो है मुझे भी मैसेज मिला था कि जो है KEC वाले जो है लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, उन्हें कैंडल लाइट डिनर करने का मौका नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोड शेडिंग की वजह से अब ये है कि हर घर में कैंडल जल रही होती है और डिनर होता है। ये तो और लोग साथ मिल भी होते हैं, अगर बिल्डिंग्स में या घरों में गार्डन है तो सारे लोग वहीं जमा हो जाते हैं, एक घर में ज्वाइंट फैमिली है तो सारे के सारे उठ के सारे वहीं रह जाते हैं, क्योंकि क्या गेट टुगेदर हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है। बिल्कुल, चाय पार्टी होती है, टी पार्टी, ये चीज एक बड़ी अमूमन लोग जो है कोई टीवी देख रहा होता है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कोई अपनी अलग अलग मसरूफियात में है, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि
कि चीजें इतनी ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई टीवी देख रहा है तो कोई गेम खेल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है या कोई खाना पका रहा है, तो हर चीज बिजली से चल रही है, हर चीज बिजली से चल रही है, तो सब मसरूफ है अपनी जिंदगी में। और जब ये चीज हो जाता है, ये सानहा होता है बिजली आने का, वो भी चले एक दो घंटे तो बंदा काम काज में ही निकल जाता है, मगर जब ये चार घंटे से ऊपर हो जाता है तो फिर इंसान के पास कुछ बचता ही नहीं है। बस जगह तो इतना है कि जो है दो दो घंटे की लोड शेडिंग है, चार मरतबा भी है और पांच मरतबा, दो घंटे हैदराबाद में 12 घंटे की लोड शेडिंग है, आपको पता, आप मुझे बताएं बहुत ज्यादा क्या हाल होगा वहाँ पर। अच्छा सारे काम बिजली से ही होते हैं, और जो है अगर जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पानी चढ़ने की भी एक प्रॉब्लम, मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी, और फिर वॉशिंग मशीन नहीं चल सकती घर में, जो और तीसरी दीगर सोचिए हर चीज बिजली से चले, अगर इंसान भी बिजली से चलता क्या होता, तो क्या होता आ जाएंगे। हम थोड़ा सा स्किन पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने भी बड़ी अच्छी एक्ने के हवाले से बात की थी, और अब वेदर ऐसा हो गया है कि आज मैं भी सुबह नोटिस करी थी कि इतनी ज्यादा ऑयली स्किन हो रही है, आप जितनी बार भी धो लें, आप अभी मुंह धो के निकलेंगे और सारा फिर 15 मिनट बाद बिल्कुल ऑयली हो जाएगा। जिनकी ऑयली स्किन नहीं है उनके साथ भी होता है, उनके साथ भी इतना ज्यादा हो रहा है, और जाहिर है जब बहुत ज्यादा ऑयल आने लगता है तो आपका कलर भी लाइट हो रहा है, एज डार्क हो रहा है, अजीब सा कलर हो जाता है, आप कितनी बार आप मुंह धोएंगे। अब देखिए जो वर्किंग लेडी हैं या जो है जो खवातीन घर में रहती हैं, वो घर में जो रहती हैं वो ज्यादातर उनका किचन में टाइम गुजरता है गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, तो उसमें ये होता है कि जो फ्लेम की जो हीट होती है वो फेस पे लगती है, जिसकी वजह से जो है स्किन ऑयली भी होती है, इसके अलावा जो है आपका चेहरे का कलर भी डल होना शुरू हो जाता है। सही। तो मैं ऐसी होम रेमेडी बता देता हूँ जो घर में ही मौजूद होती है, फ्रिज में जो है देखिएगा, अगर खीरा है तो खीरे का जूस जो है अपने फेस पे लगाएं, तो खीरे का जूस बहुत ज्यादा फ्रेशनेस आती है। गाजरें अभी खत्म हो गई हैं, लेकिन अगर मिल रही हैं तो गाजर और शलजम, छोटी सी गाजर ले लें और उसे अच्छे तरीके से उसकी स्किन उतार कर उसे साफ करके पानी में बॉयल करें, और एक छोटी सी शलजम लेके वो भी करें, बॉयल करने के बाद उसे अलग निकाल कर उसका पेस्ट बनाएं और फेस पे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगाकर फिर उसे आप रोज पाउडर का स्प्रे करके साफ कर दें, तो आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, आपकी ऑयली स्किन जो होगी वो खत्म भी होगी। सही सही। तो साहब अगर हम थोड़ा सा इनटेक इन चीजों का ज्यादा कर लें तो क्या फिर नहीं फर्क पड़ेगा, शायद अगर हम उसी चीज को वो खाने की चीज मुंह पे लगा रहे हैं अगर पेट में डाल लें तो। हाँ नहीं देखें, खीरा स्लाइस काट के आंख पे लगे तो यहाँ से निकाल के खा भी लो। हाँ पार्लर में खत्म हो गया ना खीरा, खीरा लगा देते हैं बस, खीरे खत्म हो जाता है, वो ज्यादा बेहतर रहती है जो है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे वहाँ उस वक्त खीरा अवेलेबल नहीं है, घर में तो हर वक्त ताजा अवेलेबल होता है। दूसरा ये कि जो कॉटन लगाते हैं ये भी यानी कि ठंडक और सुकून बख्शती है, क्योंकि सारा दिन हमारी आंख जो है वर्किंग कर रही होती है, आप अगर उसे 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुकून के साथ आप अगर वो रखें तो आपकी आंखों को बहुत रिलैक्स मिलेगा। सही। और दूसरा ये कि जहां आपने बात की जो है स्किन के हवाले से कि कुछ हम इंटेक करें, तो इंटेक तो बहुत जरूरी है, आपकी स्किन खराबी जब होती है जब आप अपना इंटेक खत्म कर देते हैं, खासतौर पे आप पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल खत्म कर देते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सिर्फ देखा जाता है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा हमारे यहाँ रमजानों में होता है, रमजानों में होता है, और उसके अलावा हम लोग मुर्गा मुसल्लम और घी रहते हैं, इससे हम कभी बाहर ही नहीं निकलते, तो अगर ये चीजें हम ज्यादा पहले इनका इंटेक शुरू कर लें तो वो वैसे भी हमारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर हमारा इंटेक स्ट्रांग है और अच्छा है तो स्किन वैसे ही अच्छी हो जाएगी, नहीं तो फिर आप जो है इन चीजों को अगर आप खा भी रहे हैं और फिर भी स्किन, तो आप इन चीजों को इस्तेमाल जिस तरह से आप फेस पे भी करें वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप स्किन की क्लींजिंग नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो आपकी स्किन फिर जो है डर्टी जो उसमें वो होते हैं बैक्टीरिया, वो आपकी स्किन के अंदर एक्ने की तरह नमूदार होंगे, फ्रैकल्स में भी तब्दील होंगे, मलाजमा भी हो जाएगा। और बाद दफा तो ये होता है कि जो खवातीन बहुत ज्यादा यानी कि डीपली पानी में रहती हैं, जैसे किचन में बर्तन वगैरह धोना जी और जो है कपड़े वगैरह धोना, तो अपनी हाथों को मॉइस्चराइजर नहीं करती बाद में, तो ये होता है कि फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है। सही। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जो आप अगर जो है अपनी हिफाजत में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब आजकल जो वेदर हो गया है जिस किस्म की शदीद गर्मी हो गई है, इसमें मॉइस्चराइज करना जरूरी है, बिकॉज बहुत ऑलरेडी इतना ज्यादा है। आप अगर फौरी तौर पर ना करें, रात को सोने से पहले जो है आप वन टाइम तो जरूर करना है, ठीक है, जो है क्या नाम है आपको, ताकि दिन भर में जो भी चीज, स्पेशली अगर आप एयर कंडीशनिंग में सोते हैं, एसी में सोते हैं, तो उसमें यह है कि वैसे डिहाइड्रेट करता है एसी आपको।
लेकिन जब आप मुझे बताएं 12 घंटे लाइट जाएगी तो फिर उससे वो भी तो बैलेंस करें आप, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा ही टाइम हम लोग एयर कंडीशन या ठंडी एनवायरमेंट में बैठते हैं, अदरवाइज तो लाइट नहीं होती तो वो किस तरह से सुना है, तो ऑयली हो जाएगी स्किन। बाद लोग जनरेटर में बैठ जाते हैं, यूपीएस है, और दूसरा ये जनरेटर है, ये दोनों चीजें नहीं है, वहाँ कुदरती हवा भी है बिल्कुल तो चलती है, काफी लोग ऐसे नहीं रख पाते जिनके घर में ऑलरेडी वेस्ट ऑलरेडी का नाम है तो उसमें बहुत अच्छी ठंडी हवा भी आती है। बिल्कुल। अच्छा जो आपकी क्रीम है अप्सरा क्रीम जो है तो वो भी इस चीज को कंट्रोल करेगी, ऑयल को भी कंट्रोल करेगी रंग के साथ साथ। बिल्कुल, जो है उसका यानी कि 5 प्रॉब्लम्स का एक हल है अप्सरा ब्यूटी क्रीम के अंदर, ठीक है, कि वो एक तो आपके दाने जो होते हैं उनको खत्म करती है, उनके जो निशानात होते हैं ब्राउन ब्लैक रेड कलर के धब्बे उनको खत्म करती है, इसके अलावा फ्रेकल्स का मसला खवातीन में हो जाता है आफ्टर बिफोर प्रेगनेंसी ब्लड की कमी की वजह से, वो यानी कि ठीक होता है। ऑयल बेस्ड है, ऑयल फ्री है, ऑयल फ्री होती है गर्मियों में, और जो है ऑयल के साथ जो होती है वो सर्दियों में होती है, दोनों डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल, जो है क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान में कुछ जो है शहर ऐसे हैं जो यानी कि बहुत गर्म है और कुछ ऐसे हैं जो बहुत सर्द है, जैसे सवात है, अहमदाबाद है, ये पहाड़ी मकाम जितने भी होते हैं ये बहुत सर्द होते हैं, यहाँ पर सब गर्मियाँ होती हैं, वहाँ पर भी सब उस वक्त सर्दियाँ ही हो रही होती हैं, तो उन लोगों को भी यानी कि होता है, तो वो फिर बता देते हैं हमें कि जी, और हमें भी इतने टाइम में पता चल गया है कि अगर गर्मियों में मंगा रहे हैं तो उनको किस तरह की क्रीम जानी है, और यहाँ जो हमारे इंटीरियर में जैसे मीरपुर खास है सिंध के इलाके में जो गर्म इलाका है वहाँ किस तरह की जानी है। और ये हमारी जो अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट है इसमें 5 चीजें शामिल हैं, इसमें एक जो है अप्सरा ब्यूटी क्रीम है, फेयर सिरप है, टेबलेट है, मेडिकेटेड सोप है, और डिस्कवरी हमारी फेस पॉलिश है, बेहतरीन जबरदस्त रिजल्ट। अच्छा, वो भी इसी में मिक्स इसी में शामिल है या फेस पॉलिश अलग से? नहीं, फेस पॉलिश इसी में है। अच्छा, जिनके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं या स्किन पोर्स जो है बहुत ज्यादा ओपन होते हैं उनको यानी कि मिनिमाइज करता है। ठीक है, जबरदस्त। थोड़ा सा ब्रेक तो नहीं लेनी? अच्छा, तो थोड़ा सा हम जरा ये बात कर लें कि आज हमने एक टॉपिक रखा, ले लूं देखिए हमें बात कैसे करेगा, आपका इलाज करना पड़ेगा, आप हमें एक बात करने दें यार, एक पैकेट इनको भी लाके दे जरा क्रीम का प्लीज। सही नाजी मतलब एक ब्रेक प्रोग्राम दे जा रहा हूँ, वापस आ चुका ब्रेक यहाँ पर, कीप वॉचिंग सुब्रह आवाज। जानदार खुशबू, धरती का रंग। ब्रेकिंग न्यूज। रिसर्च से साबित हुआ है कि डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इनसे तहफ्फुज़ का वाहिद हल जदीद जवानी फॉर्मूले वाला किंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। किंग छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। हर सुबह करे थी ताजा दम, खुशियों में उम्र बधाए थी, धरती आ रब दे प्यारन जी, थी शाम पखेड़े रंग भला, मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा रखूं कायम दायम उनके, ही रंग सभई धरती जा टपाल मेजबान, जानदार खुशबू धरती जा रंग। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय मुझे सिंध धरती जी सुरहान चाहे। क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ऐं औरतन जे हुस्न लाइ ज़रूरी आहिनि घाटा ऐं डिघा वार। पाणी जी ख़राबी ऐं के ॿियनि वजहनि जे करे ऐं ख़ासि तौर ते खु़श्की वारनि लाइ सख़्त हानिकार। हुस्न बरकरार रखण लाइ वारनि जी हिफ़ाज़त तमामु ज़रूरी ऐं हिन लाइ ज़रूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल। खु़श्की खे करे ख़तम, वारनि खे ॾे नई ज़िंदगी। अपनी रिजालिक चेहरो केतरो भी हसीन ऐं गोरो हुजे पर ही छा दाणा मोहिड़ा इन हसीन चेहरे जी शादाबी के मुतासिर करे रहा है। जी हाँ, हर किस्म जे दाणन ऐं मोहिड़न का पाक चेहरो ही असल खूबसूरती जी जमानत आहे, त परेशान न थियो, अवां जे चेहरे जे तमाम मसलन लाए एक्ने रिजालिक क्रीम, साफ शफाफ चेहरो।
बॉनविल ही क्रीम हू क्रीम हू क्रीम ही क्रीम बाजार में हजारे किस्मन जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे आई हर के जी दवा आहे त असन जी क्रीम सब का बेहतरीन आहे पर बॉनविल फेयरनेस क्रीम जी दावा न हकीकत आहे ही क्रीम न रुगो अवां जे चेहरे के अच्छो आई उजरो बनाए थी पर हिन सा गडो गड अवां जे चेहरे ता हर किस्म जे दाग धबन के आई झुरन के खत्म करे नओ निखार आणे थी अवां जे चेहरे जी दिलकशी आई खूबसूरती जो राज बॉनविल फेयरनेस क्रीम क्रीम हिक होपियो हजार संक्षेप सिज में निकलंदर तेज शुआओं अमा जी जिल खास तौर ते चेहरे के मुतासिर कन थियो हिन लाए दुनिया जे नामियारे माहिरन जी रिकमेंड कयल सनशेड जेल अमा जी जिल लाए एक मास्टर हल जी हां ही न रुगो अमा जी जिल के सिज जे किरणन का बचाए थी पर अमा जी चेहरे के भी सजो डी ताजो रखे थी छो जो दिसण वारा चेहरो ते दिसन था सनशेड जेल सनब्लॉक हाने दे सिज के मो हर सुबह करे थी ज़ादम खुशी में उम्र बधाए थी धरतिया रब जे प्यार मुझे थी शाम पखेरे रंग भला मेज़बानी मोहब्बत दोस्ती जा टपाल मेज़बान जानदार खुशबू धरतिया जा रंग अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मां आया अवां जी होस्ट अनम समो अवां जी पंहिंजे प्रोग्राम चॉइस एंड चांस अगर नाज़रीन मां तव्हां खे पंहिंजे प्रोग्राम चॉइस एंड चांस में ॾेखारींदी आहियां खूबसूरत वीडियोस नाज़रीन मुंहिंजे प्रोग्राम में अवां कंदा आहियो लाइव कॉल्स ऐं SMS थ्रू कंदा आहियो फरमाइश नाज़रीन मुझे प्रोग्राम जो नंबर है 021-356-4-1017 SMS करने जो तरीको है CAC Space पांचो पैगाम लिखंदा पांचो नालो ऐं पांजी एड्रेस सेंड कंदा 888-1 ते तो पोइ ॾिसण विसारींदा असांजो प्रोग्राम चॉइस एंड चांस मंडे टू थर्सडे ओनली ऑन आवाज़ टीवी लाइव प्रोग्राम चॉइस एंड चांस हर सूमर खां खमीस ताईं रात जो 11:15 ते दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय मुझे सिंध धरती जी सुरहान चांद एंड नाल पान मसाला नाल पान मसाला टपाल मेज़बान जानदार खुशबू धरती जा रंग वेलकम बैक नाज़रीन सलाम 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 हिकु मिंट प्रोग्राम शुरू करण खां पहिरीं आउं हिकिड़ो व्यूअर तिन खां सुवाल पुछां हीउ तव्हां ड्रेस किथां वरितो आहे यार मां छो वठंदमि हा कीअं ॾिनो ॿुधायो यार असांखे मूंखे कपिड़ा जेके हिन स्पॉन्सर कया आहिनि मौज़ अबासी कपिड़ा आहिनि जेके तव्हां ॾिसो पिया ऐं वाकई तमामु सुठा आहिनि कट्स ॾाढा सुठा आहिनि कलर्स ॾाढा प्यारा आहिनि समर कलर्स समर कलर्स आहिनि ऐं पिंक त उहे बि हर छोकिरी खे पसंदि हूंदो आहे तव्हां ॾिसो न इतफ़ाक़नि सां जीअं मैचिंग मैचिंग थी त ईअं थो लॻे अंडरस्टैंडिंग आहे एतिरो इहा शो थी वेंदी आहे पर तमामु ज़बरदस्त कपिड़ा आहिनि तव्हां बि ट्राए कजो हुननि जो स्टूडियो बि आहे तव्हां बि ट्राए था करे सघो तमामु सुठा कपिड़ा आहिनि ऐं तव्हांखे अगरि को पार्टी वेयर खपे या शादी जे लाइ कुझु बि हर क़िस्म जा कपिड़ा आहिनि वटि बिल्कुलु बिल्कुलु हर कैजुअल वेयर बि आहे त रीज़नेबल आहिनि आई थिंक हाणे त एतिरो थी वियो आहे जो उहा ई ॻाल्हि आहे त जेके लॉन जा कपिड़ा वधीक महांगा आहिनि अहिड़े क़िस्म जा लटा थोरा उन बेगम को क्या लेके दिया बेगम को क्या लेके दिया हाँ कौन सा लॉन लेके दिया डिजाइनर लॉन जो है क्या नाम है जो चल रही है सारे लेके दिया आपने नहीं सारे तो नहीं सारे लेके दिया आपने
नहीं ऐसा नहीं है, जो भी यानी कि एग्जीबिशन वगैरह लगती है वो खुद ही यानी कि अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। अच्छा सही, हाँ बल्कि अपने लिए भी सिलेक्ट करती है, मेरे लिए भी सिलेक्ट करते हैं। आपके लिए भी? जी मैं लॉन नहीं पहनता, मैं वॉशिंग बॉय या शॉवर पहनता, यूजुअली कुर्ते होते हैं बड़े प्यारे, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे होते हैं, सही जबरदस्त। अच्छा हम आपसे, हमारे यहाँ तो जो है क्या नाम है, लॉन का तो ऐसा है जैसे सैलाब आ जाता है, सैलाब आता है वहाँ के, एक जो है तमाम सिंगर्स भी निकाल रहे हैं, तमाम शो के जितने इंडियन एक्ट्रेसेस आके वो उसको निकालने वाले मैं यहाँ पर आई हूँ सूट लेने के लिए। अब सनम एक मुझे क्या पता है तुम अकेली हो, मगर ये चीज बहुत ज्यादा है ना। देखे अब हमारे जो वेदर है यहाँ का, उसमें अब जाहिर बात है हम जो है वॉशिंग वेयर नहीं यूज करते हैं, लॉन में होती है, लॉन बिके भी इतने खूबसूरत स्टाइल है, अच्छे तरीके से वेयर करें आप, उसे कैरी करें तो वाकई देखा शादियों गर्मियों में मफत में क्यों करें उनकी पब्लिसिटी, बिल्कुल आपसे मेरी पब्लिसिटी जब मैं लॉन निकालूंगी तभी कब वो दिन आएगा निकालेंगे इसको क्या नाम रखेंगे पता नहीं क्या नाम रख लीजिएगा, सारे नाम तो हो गए ना, सारे नाम तो हो गए, बच्चा तो मेरे लिए सब हो गए, सारे नाम हो चुके हैं, बाकी जो आखिर में बचेगा मैं हम लोग डिसाइड करके डाल लेंगे शो में ही निकालेंगे। सही जबरदस्त। अच्छा ये एक मजाक था, मगर हम थोड़ा सा वापस अपने टॉपिक पे आ जाए, मुझे बताएं आपके पास आप लोग किस किस्म के डिजीजेस को कैटर करते हैं, किस किस किस्म का डिजीज आपके पास जो आता है इलाज के लिए, उसका कैसे आप लोग इलाज करते हैं? देखिए हमारे पास जो ज्यादातर पेशेंट आते हैं वो ओबेसिटी की तरफ जो माइल होते हैं लोग, मोटापे की तरफ जो शिकार होते हैं वो लोग हमारे पास आते हैं ज्यादा, और वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है करीब और स्किन बहुत ज्यादा डल और खराब हो रही होती है, खासतौर पर एक्ने का शिकार होती हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल उनका टूटा हुआ होता है कि अब ससुराल आने वाले शुरू हो गए और मेरी स्किन इतनी खराब हो रही है, उसके लिए है। इसके अलावा जो एक बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हेयर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा होती है, बाल गिरने की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा, कॉलर भी है बिल्कुल हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, के तो गल है बात कर रही है, आप कैसी हैं? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिजवाना कहाँ से बात कर रही हो? हैदराबाद बिहार से। अच्छा जबरदस्त, कुछ पूछना चाहोगी डॉक्टर साहब से? हाँ मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहूंगी जो हमारे बाल जो है ना बिल्कुल पतले से और बहुत गिरते हैं। अच्छा अच्छा, एज कितनी है आपकी? अच्छा उनके बाल पतले हैं और गिरते हैं। बिल्कुल यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि बालों के गिरने की वजूहत कई तरह की होती हैं। एक तो विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है, और वाटर इंटेक कम लिया जाता है। दूसरा ये है कि बाज घरों में जो है खारा पानी भी आता है जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो जिन लोगों के फ्लैट में घर में जहां पर भी खारा पानी आता है तो वो चेहरा और बाल धोने से गुरेज करें, कोशिश करें कि इनको मीठे पानी से ही धोया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी एक आम मिसाल ये है कि आप खारा पानी रखें और उसको आप आहिस्ता पूरी रात रखने के बाद जब उसे आप ऊपर से पानी फेंकेंगे तो नीचे सॉल्ट जो है आपको जो है वो करके तो वो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। इसके अलावा जो है हमारे इसमें जो भी इसकी प्रोडक्ट हमारे पास जो है चार तरह की है, यानी कि दो तरह के हेयर ऑयल है, ग्रूमिंग पाउडर है और ड्रॉप है। इसमें बाल जो है वन वीक में ही पॉजिटिव रिजल्ट ये आता है कि गिरना बंद हो जाता है, बालों की ग्रोथ होती है, बाल लंबे होते हैं, चमकदार होते हैं। जो खवातीन बहुत ज्यादा लंबे बाल करना चाहती हैं अपने ना, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा। आपका तेल जो है वो इजीली अवेलेबल होता है? बिल्कुल, जो मार्केट में या सब आपने से परचेस करना पड़ेगा, हमारे क्लिनिक पे ही अवेलेबल होता है। अच्छा, बाकी होम डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में फ्री है। ठीक है, तो जो आपका नंबर चल रहा है नाजिन जी, कोई नंबर हले तो ताकि अगर काबो प्रोडक्ट डॉक्टर साहब जी खपे तो ताकि नंबर पे कॉल करे तो हाँ डिलीवर कराया था सिगो पाना वट जी। तो इस तरीके से ये है। इसके अलावा इजी पेन गो है हमारा जो ज्वाइंट्स पेन के लिए है, ज्वाइंट्स के लिए जी बिल्कुल, जिनके पट्टों में दर्द होता है, बाल लोगों को जो है डिप्रेशन की वजह से भी हो जाता है, आसाबी दबाव हो जाता है, काम की जाति की वजह से भी, खवातीन में ही होता है कि ज्यादातर बैकबोन में बहुत ज्यादा दर्द है। बिल्कुल, और एक छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे रिश्ते होते हैं, बहन भाई का रिश्ता है, माँ बाप का है, रिश्तेदारों के कजन्स के फ्रेंड्स के रिश्ते होते हैं, इसी तरीके से तमाम लोगों को चाहिए वो एक रिश्ता जो है दोस्ती का जो है अपने डॉक्टर से भी रखें, ताकि जो है एक फैमिली डॉक्टर होगा आपका तो आपके तमाम मसाइल को शुरू से ही समझता होगा,
और जो है जब भी आपको नीड हो उसकी तो आप उनसे मशवरा ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, ताकि आप बर वक्त जो है किसी भी बड़े परेशानी से बच सकें। क्योंकि देखिए अगर आप सेहतमंद होंगे तो एक सेहतमंद माशा जन्म लेगा, और जब आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो फिर किस तरीके से होगा कि लोग आपकी खिदमत कर रहे होंगे बजाय आप लोगों की खिदमत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें जरा देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से करेंगे किस तरीके से नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। ये चीज बहुत ज्यादा है। मुझे थोड़ा सा कद का आप बता रहे थे, हाइट के बारे में, कद जो बढ़ाने की आपकी दवाई है, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा मिला शो आने के बाद, आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने बहुत कॉल्स की, तो उस पर हम चाहे तो टाइम थोड़ा कम था, हम एलैबोरेट कर दें कि जी वो कद बढ़ाने की दवाई क्या है, कितने अरसे में काम करती है। अल्लाह का शुक्र है कि जो है बहुत ज्यादा, यानी कि हमारी जो मेडिसिन है ये हर्बल और होम्योपैथिक है, इसमें कैप्सूल्स होते हैं, इसमें ड्रॉप्स होते हैं, और जो है इसमें एक जो है पाउडर होता है, सिपिमेंट पाउडर है, जो दूध में मिला के लिया जाता है। अच्छा। और जिन बच्चों की शुरू से ही यानी कि बहुत ज्यादा वेट यानी कि उठाने की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हाइट उठ गई होती है उन लोगों के लिए, या फिर जो है लड़कियां जिस मिसाल के तौर पर 14-15 ईयर्स की होती हैं और उनको हाइट बहुत कम लगती है, जब घर वाले कहते हैं कि नहीं मेरे और बच्चों की तो हाइट तो अच्छी लंबी हो गई लेकिन इस बच्चे की हाइट बहुत कम है, तो वो लोग यानी कि इसको जब यूज करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से बहुत ज्यादा फायदा होता है, और उसमें यानी कि मंथली तौर पर जो है उनकी ग्रोथ होती है और रिजल्ट आता है। अच्छा, कितना अर्सा इस्तेमाल करना पड़ता है? बिकॉज अगर होम्योपैथिक है तो वो थोड़ा लेंथी होता है ना, उसका लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा होम्योपैथिक का। जी बिल्कुल, 4 महीने का इसका कोर्स होता है, कम्प्लीट जो कोर्स है इसका, लेकिन ये होता है की मंथली बेसिस पे ही आपको इसकी इम्प्रूवमेंट मिलती है। जी बिल्कुल, 1 महीने के लास्ट के अंदर आपका 1.5 से 2 इंच तक कद में इजाफा होता है। बात तो ऐसे भी होता है, हमारे फोर्सेस के जो लोग होते हैं जो इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए जाते हैं, 1 इंच की वजह से उनकी जॉब चली जाती है। बिल्कुल, तो ऐसे लोग हमारे पास फौरी तौर पर यानी कि थ्रू आउट आते हैं, किसी ने कहा, उन्होंने बताया कैसे से मैंने डॉक्टर इजवान की प्रोडक्ट यूज की थी तो माशाल्लाह मुझे फायदा हुआ, तो ऐसा ऐसा वो हो जाता है। जो बच्चे यानी कि पढ़ने लिखने वाले हैं और बहुत ज्यादा परेशान करते हैं खाने पीने में, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। खाने पीने के परेशान, ये थोड़ा मुझे मेरे मतलब चीजें नहीं खाती सारी कोशिशें करके देखी है, बच्चे खाना नहीं हथियार डाल दिए। हमारे जो अप्सरा एनर्जी प्लस है वो उन्हीं चीजों के लिए है कि एक तो बढ़ते हुए बच्चों की नशोनुमा भी करता है, दूसरा हड्डियों में ताकत भी आती है, उसमें कैल्शियम फास्फोरस। तो क्या उम्र होनी चाहिए बच्चों की जिससे उनको शुरू करना चाहिए? मिनिमम उम्र भी होती है ना 3 इयर्स, 3 इयर्स 3 साल से लेकर फिर आप जो है क्या नाम है 50 साल तक के भी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सिरप भी है, एक पाउडर भी है। सही, और बहुत अच्छा है। जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली वीक भी होते हैं, देखिए जिस तरीके से मोटापे की बीमारी है, इसी तरीके से जो दुबलापन होता है उसकी भी बहुत ज्यादा, एक होता है नॉर्मल चीज अंडरवेट, बिल्कुल मतलब डॉक्टर्स कहते हैं अंडरवेट, मगर तो वो चीज वही वो डॉक्टर्स बता रहे थे ना, हाइट और वेट के साथ हिसाब से प्रोपोर्शन करके तो आपको पता चल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, माओ को बड़ा टेंशन होती है कि बच्चे खाना नहीं खाते, और पता है मुझे कि हर चीज ट्राई करते हैं, और एक स्ट्रेस होता है उस माँ के ऊपर, ऐसा होता है ना कि जो एक टेस्ट लग गया कि नहीं जी मुझे सिर्फ बर्गर ही खाना है, उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं खाना, भले आप कितने अच्छे खाने बनाकर रख दें, या बाद बच्चे फ्रेंच फ्राइज बहुत शौक से खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन जब ये खाते हैं तो उससे भूख उनकी खुल जाती है, और जो बच्चे यानी कि खेलते कूदते हैं उससे उनकी एनर्जी बर्न होती है, तो बाद में उन्हें कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत जरूरी होती है कि जो है बच्चों को जबरदस्त। अच्छा, तो हाइट का एक एज लिमिट क्या शादीशुदा औरतें भी यूज करती हैं, शादीशुदा मर्द भी यूज कर सकते हैं, या कोई एक सर्टन एज लिमिट होती है जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जी 15 या 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती? देखिए जिस तरीके से शुरू के दिनों में था कि जो है आप 5 साल से लेकर और जो है 18 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब होम्योपैथिक ने काफी यानी कि इम्प्रूवमेंट की है और बहुत ज्यादा ही की है, 10 साल से लेकर 30 साल तक के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो है जैसे यानी कि 30 ईयर्स के जो लोग होते हैं या 28 साल के या 25 साल के, उनको हम अपने क्लिनिक में मशीन से थेरेपी भी देते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, और उसमें एक मसाज क्रीम भी हम देते हैं, मसाज ऑयल भी होता है जो अपने जॉइंट्स पे वो लगाते हैं। अच्छा, हाइट के लिए जॉइंट्स पे क्रीम लगाते हैं और थेरेपी भी होती है? थेरेपी भी होती है। तो थेरेपी किस चीज की करते हैं? थेरेपी जो है वाइब्रेट यानी के करते हैं। अच्छा। जिससे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, पैरों में या पूरी बॉडी का होता है, आप उस पर यानी कि एक मशीन होती है उस पर आप खड़े होते हैं, उसको पूरी यानी कि वो होता है, वो हम जिनकी हाइट कम होती है उन लोगों को भी देते हैं और जिनका वेट ज्यादा होता है उनको भी देते हैं। अच्छा, जिनका वेट ज्यादा होता है उनके फैट्स इससे जो है वो बिगड़ जाते हैं, यानी कि हमारी मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं वही होता है, उनके बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाती है इजीली,
सेकेंडली ये कि जो है ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार है उन्हें वो अगर ग्रेप फ्रूट का भी इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा मस्त होता है क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है और आपकी कैलोरीज को तेजी से बर्न और मजे का भी बहुत होता है मजे का बहुत बहुत मजे का बहुत जबरदस्त एक टाइम में निहार मुंह वो जूस निकाल काली मिर्च या वो काली मिर्च डाल देता है अलग काला सॉल्ट जिसको बड़ा बड़ा अच्छा होता है बड़ा मजे का लगता है एक अच्छी चीज आप जूस की बातें नहीं करें मुझे जूस बहुत पसंद है आपको भी बोलने वाले रहे साहब कल से हमारे पास पानी की जगह पे जूस होना चाहिए ये चीजें अगर वैसे देखना है तो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत उन्होंने कहा पानी आ गया ब्रेक ले लो कुछ खिला दूंगा अच्छा जूस पे लाया चलो ठीक सही मैडम का एक ब्रेक ऐसा कर रहे जो वापस आ चुके ब्रेक कहाँ पर इज दर हाउस ऑफ जो आवाज टपान मेजबान जानदार खुशबू धरती जा रंग एक रुपए में रात भर का सुकून किंग 90 मच्छर की छुट्टी हर रात लगातार पूरी 90 रातों तक किंग 90 जापानी टेक्नोलॉजी से तैयार करता और हर मशीन में फिट एक रुपए में रात भर का सुकून किंग छोड़ेगा नहीं मारेगा चुन चुन के हर सुबह करे थी ताजा दम खुशी में उम्र बधाए थी धरतिया रब जे प्यार जे थी शाम पखेरे रंग भला मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा टपाल मेजबान जानदार खुशबू धरतिया जा रंग क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ए औरतन जे हुसन लाए जरूरी आहिन घाटा एंड गावार पानी की खराबी एंके बेन वजन जे करे ए खास तौर ते खुशकी वारन लाए सख्त हानिकार हुसन बरकरार रखन लाए वारन जी हिफाजत तमाम जरूरी एन लाए जरूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल खुशकी के करे खत्म वारन के दे नई जिंदगी अपनी रिजालिक चेहरो केतरो बे हसीन ए गोरो होजे पर ही छा दाणा मोहेड़ा इन हसीन चेहरे की शादाबी के मुतासिर करे रहा है जी हाँ हर किस्म के दाणन ऐं मोहेड़न का पाक चेहरो ही असल खूबसूरती की जमानत है तो परेशान न थियो अवां जे चेहरे के तमाम मसलन लाए एक्ने रिजोल्व क्रीम साफ शफाफ चेहरो बॉनविल ही क्रीम हू क्रीम हू क्रीम ही क्रीम बाजार में हजारे किस्मन जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे आई हर के जी दवा आहे त असन जी क्रीम सबका बेहतरीन आहे पर बॉनविल फेयरनेस क्रीम जी दवा न हकीकत आहे ही क्रीम न रुगो अवां जे चेहरे के अच्छो आई उजरो बनाए थी पर हिन सा गडो गड अवां जे चेहरे ता हर किस्म जे दाग धब्बन के आई झुरन के खत्म करे नओ निखार आणे थी अवां जे चेहरे जी दिलकशी आई खूबसूरती जो राज बॉनविल फेयरनेस क्रीम क्रीम हिक हुबियो हजार संक्षेप सिज में निकलंदर तेज शुआओं अवां जे जिल खास तौर ते चेहरे के मुतासिर कन थियूं हिन लाए दुनिया जे नामियारे माहिरन जे रिकमेंड कयल सनशेड जेल अवां जे जिल लाए हिक मासर हल जी हां ही न रुगो अवां जे जिल के सिज जे किरणन का बचाए थी पर अवां जे चेहरे के भी सजो ॾींहुं ताज़ो रखे थी छो जो ॾिसण वारा चेहरो ई ते ॾिसन था सनशेड जेल सनब्लॉक हाणे ॾे सिज खे मुंहुं टपाल मेज़बान जानदार खुशबू धरती जा रंग अच्छा तो हम थोड़ा सा अपनी हम हाइट की बात कर रहे थे हाइट की बात कर रहे थे हाइट से मोटापे भी चले गए थे हम लोग फैट्स के ऊपर जी हाइट ब्रेक में चले गए थे ब्रेक में चले गए अच्छा सॉरी ब्रेक पे चले गए थे जी स्टार्ट करें देखिए जो है अगर जैसे आपका वेट ज्यादा होगा तो आपकी हाइट भी स्टील हो जाएगी सही ठीक है और फिर वो हाइट नहीं बढ़ती कोशिश ये करें कि जिन बच्चियों की हाइट बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो गई है और बहुत ज्यादा उनका वजन हो गया है तो पहली फुर्सत में तो वो अपना वजन कम करें और जिनको जोड़ों पट्टों की शिकायत है तो वो भी यानी कि कम कर सकते हैं बात खातिन ऐसी होती है कि बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट होती है लेकिन पेट होता है जैसे ऑफिस में लड़कों का ज्यादा यूज भी होता है कि पेट में कमी नजर आ रही होती है उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज यही है कि आप अगर मिसाल के तौर पर कहीं भी बैठे हैं खड़े हैं आप अपने आप को जो है ना वैक्यूम करें इस तरीके से पेट अंदर करके बिल्कुल उसको करके नहीं सांस रोको बाकी पेट अंदर है बात करते रहे सांस आप लेते रहे तो सांस रोक के तो पेट खींचेंगे ना भाई नहीं खींच जाता है कोशिश करें कैसे होता है
सांस नहीं रोकना चाहिए और आप पहले 10 सेकंड करें सही 3 दिन तक 10 सेकंड करें फिर 15 सेकंड 25 सेकंड वो तक उससे बहुत फर्क पड़ता है। मीठे से भी तो कहते हैं कुछ लोग के मीठा खाना छोड़ दें। खाना तो यानी कि जो लोग मजबूर हैं शहद की मक्खी हैं वो मीठा नहीं छोड़ सकते वो क्या करें बेचारे मैं जो है कैंडल वगैरह जो है डाल के मतलब मैं दुनिया की हर मीठी चीज छोड़ सकती हूँ। क्या मतलब गाजर के हलवे में वो कैंडल कैसे डालेंगे मुझे बताएं गाजर के हलवे में कैसे डालेंगे कैंडल मुझे बताएं। अगर आजकल तो डाइट जो है तमाम चीजें आप खाना चाहें आपको मिल सकती है। देखिए आप अपना जो हिंदुस्तान में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे सारे स्लिम और स्मार्ट क्यों नजर आते हैं उन्होंने एक पूरी क्योंकि वो हम दोनों की तरह मॉर्निंग शो करते हैं ठीक है जहाँ पर उनका खाना पीना तमाम जूसेस वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं तमाम डाइट में होती हैं। एक्चुअली जो अच्छे से अच्छा हेल्दी इंसान जो है वो भी जो है वो या स्किम मिल्क इस्तेमाल करता है या फिर वो लो फैट चीजें या जीरो कैलोरी अच्छा दूध जो है वो तो बहुत ही नादिर नायाब हो गया है ठीक है ना। स्किम मिल्क ही रह गया है आप कोई सब लें तो बगैर बलाई और बगैर शुगर के आप उसको लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका आएगा। कम से कम आपको जो विटामिन चाहिए आपकी बॉडी को वो आपको मिल जाएंगे। सही अच्छा जबरदस्त नहीं वाकई ये चीज है। और जहाँ तक रही बात मीठे की तो आजकल बहुत सारी ऐसी शॉप है शुगर पेशेंट्स के लिए अलग से चीजें बनती हैं चाहे वो हलवा हो गया या कुछ वो शुगर नहीं आ रही शुगर लेवल चेक करके खाइए। जरूरी नहीं है कि जो है आपका अगर ऐसा ना हो कि शुगर लो हो जाए आपकी और आप बिल्कुल पानी आ रहा तो ऐसी बातें क्यों कर रही अच्छा भाई नहीं करती खाने की अभी ठीक है चलेगा टॉपिक। अब आप मुझे बताएं फैट्स के लिए मतलब जो लोग मुझे तो लग रहा है कि शायद आज जो है क्या नाम है खवातीन कुछ मीठा जरूर बनाएंगे जरूर बनाएंगे हमने इतनी मीठे की असल में नाजिन साहब तरस रहे हो ना मतलब खाने लगे खाई ना तासे गो जरा मैनेज भी करो कंट्रोल में भी रखो बिल्कुल ऐसा है तो ना करे से ऐसा गल है कि नहीं तुझे पेट भरी छिड़ी नहीं हूँ बिल्कुल पानी क्यों ना सारा इतना ही काफी है हाँ बिठो गुरु खा तो भी कंट्रोल करे खाली थोड़ा खा सकते हैं बिल्कुल जो है खा सकते हैं और जो नहीं खा सकते हैं उनको एहतियात करना चाहिए क्योंकि देखें डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप सिर्फ एक शौक के खातिर अपने तस्कीन के खातिर इतना मीठा खाएंगे और खुदा ना खास तो बीमारी लगा लेंगे तो फिर वो सब चीजों से जाएंगे क्योंकि जब आपकी इंसुलिन बननी बंद हो जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो लोग मोटापे की तरफ माइल होते हैं उन लोगों को चाहिए कि जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें अपना हाइट वेट के हिसाब से जो है क्या नाम है एज के हिसाब से अपना वेट को कैसे होते हैं जो थोड़े माशाल्लाह ज्यादा पढ़े लिखे हैं या सब कुछ है तो उनसे सवाल करो कि यार तुम क्यों इतना मीठा खा यार शुगर लेवल बहुत डाउन शुगर लेवल डाउन है कि तुम कैसे पता चला तुम्हें कि तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो गया है। कुछ लोग तो जो है मीठा खाते हैं कहते हैं ये नमकीन मीठा है ये नई चीज है और ये जो है ज्यादातर जो है हमारे एक मामू सुसन है वो अक्सर ये कहते थे उन्हें शुगर थी उनसे कहते थे कि भाई क्यों खा रहे हैं कह रहे ये मीठा नहीं है नमकीन मीठा है। सही हमारे दादा भी यही कहा करे उनसे बोलते दादा कहते बेटा मेरा शुगर लेवल लो है मुझे चीनी उतनी 4 या 5 चम्मच जो है वो चाय में डालते थे मैं नहीं फीकी थी। देखिए पहले के जो लोग माशाल्लाह हम भी बहुत मीठा खाते थे सब चीजें करते थे लेकिन हमारा वर्कआउट होते थे पहले ना अब तो जो है क्या नाम है अगर यहाँ से वहां जाना है तो यानी कि कार में जाना है या बाइक पे जाना है और जो है पहले तो इतनी वॉक जाती थी सब चीजें होती थी और अब तो ये है कि बस पहले तो रिमोट भी नहीं होता था टीवी के पास जाकर वो यूनिवर्सल रिमोट आ जाएगा सब चीजें लाइटें भी रिमोट से चल रही है ये चीजें ऐसी मेरा ये सवाल एक और आपसे था मैं भी आपसे पूछने ही वाली थी कि उस वक्त के आप लेडीज की बात कर ले उनकी स्किन कितनी अच्छी होती थी उनकी आप कॉम्प्लेक्शन देखें उनकी स्किन देखें और फिर आपने भी ये बात कही कि पहले के जमाने में जो है वो लोग इस तरह से उनकी उम्र भी ज्यादा होती थी मतलब खाने पीने की भी चीजें वो लोग वैसे ही खाते थे लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये उतना इफेक्ट नहीं करता था। देखिए जो है मैंने वही बताया ना कि पहले वर्कआउट ज्यादा था अब तो जो है तमाम काम तकरीबन मासी करती हैं अब लेकिन ये होता है कि डॉक्टर साहब मासी के पीछे भी भागना पड़ता है सिवा नहीं है आप ऐसा नहीं बोले वो अकेले काम करके लगे वो कभी भी सही से काम नहीं करेगी अगर मेरी मासी देखी होगी तो फिर वो बोलेगी बाजी मैं आपका काम नहीं करूंगी कैसे लेकिन बस क्या कर सकते हैं होता है कि जो है क्या है लेकिन फिर भी उस मुकाबले में अब भी यानी कि काफी वो रहता है कि पहले की जो खवातीन काम करती थी तो उनकी डाइट अच्छी होती थी उनको ये फिक्र नहीं होती थी कि जो है इसके बाद क्या होगा उनकी स्किन अच्छी रहती थी पहले जो है बथवे के यानी के पराठे होते थे
या फिर सरसों का साग होता था और जो है पालक का साग, आलू और असली घी, मुख्तलिफ ऐसी चीजें होती थी जो आपको न्यूट्रिशन देती थी। असली दूध होता था, दही, लस्सी, इन चीजों का इस्तेमाल जब तक रहा तो आपकी स्किन फ्रेश रही और आपको कूलिंग इफेक्ट्स वाली चीजें मिलती रही। वहाँ सत्तू भी पिया जाता था, तो मलंगा शरबत में पिया जाता था। अब ये चीजें खत्म होके इसकी जगह कोल्ड ड्रिंक ले ली और मुख्तलिफ ऐसी चीजों ने ले ली कि जो यानी कि वजन भी बढ़ाती है। और कुछ खवातीन जो अभी यंग एजेस की हैं, मर्द हजरात हों या खवातीन हों, उनमें यह है कि डाइट कॉन्शियस वो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से ऐसी चीजें भी छोड़ देते हैं जो उनको बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जो विटामिन मुहैया करते हैं। सही है, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज है। ये चीजें हमें हम अपनी जिंदगी में हमारी खत्म हो चुकी है, ये वापस लाएं। और मेरे ख्याल से तो अभी भी हम लोग जो शहरी लोग हैं उन्होंने ये चीजें ज्यादा खत्म कर दी है, मगर अभी भी जो हमारे सन के लोग हैं उन्होंने इतना नहीं किया, क्योंकि वो कच्ची लस्सियां बहुत अभी भी हमारे यहाँ बनती है और वो नमक वाली, उसमें चीनी भी नहीं इस्तेमाल होती, वो नमक वाली और पानी ज्यादा चलाती है। हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, तो वो चीजें अभी भी चलती हैं और बड़े कॉमनली चलती हैं। थादल एक हमारे यहाँ बड़ा बहुत कॉमन है और बहुत ही गर्मियों में तो हमारे यहाँ इतना ज्यादा थादल पिया जाता है कि क्रेजी है थादल के पीछे सारे। मैं खुद पूरी एक एक बॉटल तकरीबन मैंने एक एक दिन में भी खत्म की, इतनी बड़ी बॉटल होती है। आपके मैदे को भी तकबीयत देती है, दिमाग भी ठंडा रखते हैं और बहुत गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। गर्मियाँ आप जैसे आ रही है तो इसमें आप गई है, कल 38 था, 38 डिग्री सेल्सियस था कल, तो अभी अभी हम अप्रैल में 38 डिग्री नहीं बच गए, तो ये तो 46-50 पे तो आराम से चला जाए, आराम से आराम से। सही सही नाजी मठो था एक ब्रेक आई हा रडिंग तक ना इशारा भी देन था ब्रेक वट तो अच्छा को ब्रेक का को वापस दिसदा रहा सुबह आवाज